हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्मिता फूड एंड फैशन। आज मैंने फूड सेक्शन में नवरात्रा स्पेशल साबुदाना बड़ा चाट बताया है, और यहाँ पे साबुदाना पनीर बड़ा चाट बताया है, और ये मैंने हरी चटनी बनाई है जो बहुत ही तीखी और बहुत ही टेस्टी होती है, और ये मैंने इमली की खट्टी मीठी चटनी बनाई है जो कि नवरात्रा को बहुत ही स्पेशल, आपके व्रत को बहुत ही स्पेशल बना देगा। आप मेरे इस वीडियो को पूरा देखें, मैंने सबसे डिफरेंट इसमें सब कुछ बताया है, बिल्कुल भी अलग है। तो इसमें मैंने सबसे पहले हरी चटनी बताई है, उसके बाद मैंने ये रेड चटनी बताई है इमली की, उसके बाद मैंने ये पनीर साबुदाना बड़ा बताया है, उसके बाद मैंने इसको बहुत ही अलग टेस्ट देने के लिए मैंने यहाँ पे साबुदाना बड़ा चाट बताया है। तो इस रेसिपी को लास्ट तक देखें, और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे मेरे नोटिफिकेशन आपके पास आ जाएगी। तो आइए इनकी रेसिपी देखते हैं। आइए देखिए, नवरात्रा स्पेशल चटनी बनाने के लिए हमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत होती है। सबसे पहले मैंने 2 टमाटर लिए हैं और थोड़े से धनिया के पत्ते लिए हैं, और हरी मिर्च ली है जो कि आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं। अगर ज़्यादा तीखा खाते हैं तो हरी मिर्च आप ज़्यादा ले लें। मैंने 1/2 नींबू लिए हैं, और यहाँ पर मैंने अदरक लिया है थोड़ा सा। इन सबको हम ग्राइंड कर लेंगे। तो यहाँ पर मैं नवरात्रा के लिए बना रही हूँ, इसलिए मैंने यहाँ पर गार्लिक यूज़ नहीं किया है। आप यहाँ पर गार्लिक लगा रख सकते हैं, यहाँ पर आमचूर पाउडर रख सकते हैं नींबू के जगह पर, और इन सबको अच्छे से हम काट लेंगे, काट कर और रख लेंगे इसको ग्राइंड करने के लिए। सब कुछ काट के मैंने रख लिया है। अब यहाँ पे मैं इसमें सेंधा नमक डाल रही हूँ क्योंकि मैं व्रत में बना रही हूँ। आप इसमें कोई भी नमक जो जो खाते हैं वो रख सकते हैं। तो 2 टेबल स्पून मैंने यहाँ पर सेंधा नमक डाला है, 1/2 टेबल स्पून मैंने गोल मिर्च पाउडर डाला है, 1/2 टेबल स्पून मैंने जीरा पाउडर जो कि मैंने रोस्ट कर लिया था, सिंपल रोस्ट करके बिना ऑयल डाले रोस्ट करके और उसको ग्राइंड कर लिया है। तो इन सबको फिर इसके इसके ऊपर मैं नींबू डाल दूंगी, और उसके बाद आप इसको ग्राइंड कर लें। और इसमें सबसे एक मेन इंग्रेडिएंट्स है वो है सरसों का तेल। तो 1 टेबल स्पून आप इसमें सरसों का तेल डाल दें और फिर इसको ग्राइंड कर लें। ये देखिए, इस तरह से इस कंटेंट का मैंने इसको ग्राइंड कर लिया है। ये देखिए, ये नवरात्रा स्पेशल हरी चटनी तैयार है बिल्कुल भी। आप इसको किसी भी चीज़ के साथ नवरात्रे में खा सकते हैं, थोड़ा चटपटा मन करने के लिए। चाहे आप इसको बड़े के साथ खा सकते हैं, जो भी आप आलू की सब्जी बना रहे हैं उसमें ऊपर से डाल के खा सकते हैं, या फिर राजमा की सब्जी बना रहे हैं आप उसके ऊपर डाल के इसको खा सकते हैं। ये बहुत ही टेस्टी लगती है। खट्टी मीठी चटनी बनाने के लिए मैंने सबसे पहले इमली ली है, और इसको थोड़ी देर तक मैंने इसको पानी में भिगो के रख दिया, या फिर आप गर्म पानी में भी इसको थोड़ी देर तक उबाल लें और फिर ये सब चीज़ आ जाएगा, ऐसा हो जाएगा, बिल्कुल भी सॉफ्ट हो जाएगी ये इमली। उसके बाद इसको हाथ से मैश करना है, बिल्कुल हाथ से इसके जो ये सब चीज़ है ये बिल्कुल निकाल देना है इसके हाथ से करके इस तरह से, और जितना हो सके इसमें पानी डालना है। फिर ये देखिए, इमली के सारे बीज मैंने निकाल लिए हैं और सिर्फ उसका पानी पानी ही निकाल लिया है। ये फिर ऐसा हो जाएगा। अब ये जो इमली की पानी है उसको हम 10 से 15 मिनट के लिए बिल्कुल लो फ्लेम पर गैस पर पकाएंगे, और इसमें फिर हम गुड़ डालेंगे। इतना गुड़ डालेंगे इसके इसमें हम, फिर इसमें चीनी डालेंगे, 2 टेबल स्पून इसमें करीब चीनी डालेंगे, और बिल्कुल इसके गुड़ को मेल्ट होने तक इसको थोड़ा थोड़ा बीच बीच में करके चलाते रहेंगे, और 10 से 15 मिनट के लिए इसको गैस पे भी छोड़ेंगे। ये खट्टी मीठी चटनी है इसलिए इसमें 1/2 टेबल स्पून नमक डालेंगे हम, 1/2 टेबल स्पून इसमें रेड चिली पाउडर डालेंगे। ये इमली की खट्टी मीठी चटनी बिल्कुल भी रेडी है। अब आप इसको एक बार नवरात्रि के स्टार्टिंग में बना के रख लें, तो बिल्कुल भी किसी भी चीज़ के साथ आप खा सकते हैं इसको, आप पोटैटो के साथ खा सकते हैं, हर सब्जी में इसको थोड़ा सा मिला के खाएं तो ये टेस्टी लगती है। इसको ठंडा करने के लिए मैंने एक बाउल में निकाल दिया है, और ये ठंडे होने के बाद और भी टेस्टी हो जाती है और थिक हो जाती है थोड़ी।
साबूदाना पनीर बड़ा बनाने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना होगा कि एक कटोरी साबूदाना को मैंने 4-5 घंटे के लिए पानी में भिगो दिया था और बिल्कुल भी इसका पानी निकाल दिया है। इससे क्या होता है कि साबूदाना बिल्कुल भी, देखिए, बिल्कुल सॉफ्ट हो जाता है। बिल्कुल इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है फिर उसके बाद इसको, और इसमें पानी इसमें से बिल्कुल भी निकाल देना है। और पानी निकालने के बाद इसको हाफ हमें ग्राइंड कर लेना है और हाफ ऐसे ही कुरकुरा छोड़ने के लिए रखना है। तो इसको मैं ग्राइंड करके आपको दिखाती हूँ। इसमें हाफ मैंने रख लिया है और मैंने 2 उबले हुए आलू लिए हैं। इस 2 उबले हुए आलू में से 1 आलू मुझे साबूदाना के साथ में ग्राइंड करना है और 1 इसको बाइंड करने के लिए अलग से रहने देना है। ये इसको मैंने बिल्कुल ग्राइंड कर लिया है। ग्राइंड करते समय ये ध्यान रखना है कि इसमें पानी बिल्कुल भी नहीं डालना है और थोड़ा टेक्सचर जो है इसका मोटा ही रखना है। तो बिल्कुल इसी तरह से इसको ग्राइंड करना है और इसमें पानी नहीं डालना। अब एक बॉल में मैंने इसको निकाल लिया है। अब जो मैंने हाफ साबूदाना रखे थे वो क्रिस्पी करने के लिए, वो साबूदाना इसमें हम मिला देंगे। फिर ये जो पोटैटो है उसको बहुत अच्छे से क्रश करके इसमें फिर मिला देंगे और थोड़ा सा इसमें धनिया पत्ता डाल देंगे हम, हरी मिर्च डाल देंगे यहाँ पे। और यहाँ पे मैंने मसाले लिए हैं, ये सेंधा नमक है, ये लाल मिर्च पाउडर है, ये भुना हुआ जीरा है और ये गोल मिर्च पाउडर है। तो ये सारे मसाले आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल लें। मैंने हाफ हाफ टेबल स्पून लिया है। अब इन सबको बहुत अच्छे से मैश कर लेना है। ये बिल्कुल अच्छा सा मैश हो गया है। अब इसको बनाने के लिए हमें हाथ में थोड़ा सा ऑयल लगाना होगा और बिल्कुल थोड़ा सा आप जिस साइज का बनाना चाहते हैं स्पून से उठा ले और स्पून से ही गोल कर दे, क्योंकि ये थोड़ा सा चिपचिपा हो जाता है। अगर ये ज़्यादा चिपचिपा लग रहा है आपको तो यहाँ पे आप कुट्टू का आटा या फिर सामा का आटा यूज़ कर सकते हैं। अब इसको बीच में होल करके यहाँ पर मैंने पनीर को बिल्कुल क्रश कर लिया है। ये पनीर है, इसको मैंने बिल्कुल क्रश कर लिया है और क्रश करने के बाद थोड़ी सी फिलिंग इसमें पनीर का डाल दूंगी। ये थोड़ा सा इससे आपको प्रोटीन भी मिलेगा व्रत में और थोड़ा ताकत भी मिलेगी उससे। अब इसको जो भी शेप आप देना चाहते हैं ये यहाँ से इसको आप शेप दे सकते हैं। इस तरह से थोड़ा चिपचिपा हो जाता है ये, मगर फ्राई करने के बाद बिल्कुल अच्छा और क्रिस्प हो जाता है। यहाँ पे मैंने इसको इस शेप का बनाया, हर्ट शेप का बनाया है। आप अपने अकॉर्डिंग जो भी है शेप है, 1-2 शेप मैं अभी और बता दे रही हूँ, उस शेप से हम बना सकते हैं इसको। ये मैंने इसको 2 शेप में बनाया है, एक हर्ट शेप में बनाया है और एक डोनट शेप में बनाया है। तो आपसे जो भी शेप बने वो बना लेना आप। और इसमें पनीर की फिलिंग करते समय बहुत ही आराम से और धीरे धीरे ध्यान से करना होगा। अगर आपसे पनीर की फिलिंग नहीं हो रही है तो आप उसको साथ में पनीर को इसके साथ में मिला दें। अब आइए इसको फ्राई करने के प्रोसेस पे आते हैं। 5-6 मिनट के लिए इसको फ्रीज में रख देना है ताकि ये बिल्कुल अच्छे से सेट हो जाए, उसके बाद इसको हम फ्राई करेंगे। ऑयल गर्म हो चुका है, अब इसको जो भी सेप है उसको बहुत आराम से रखेंगे और बिल्कुल इसको लो फ्लेम पे ही फ्राई करना है, हाई फ्लेम पे नहीं करना है, ऐसे कच्चा रह जाएगा। तो धीरे धीरे करके आराम से ये सारे जितने बनाए हमने वो सारे डाल देते हैं इसमें। ये मैंने फ्राई कर लिया, सब डिफरेंट शेप के हैं, बहुत अट्रैक्टिव लग रहा है। अब ये चटनी भी मैंने बता दी और ये रेड चटनी भी बता दी। अब इस तरह से आप खाएं, इसका पेट भर जाएगा। और इसके अंदर जो भी हर्ट शेप वाले हैं उसके अंदर मैंने पनीर भरे हैं और जो इसमें ये है डोनट शेप वाला उसको मैंने पनीर को साथ में मिला दिया था। तो अब इसे देखते हैं कि चाट कैसे बनाते हैं। पनीर साबूदाना बड़ा चाट बनाने के लिए मैंने 4 प्लेट में साबूदाना बड़ा लिया है। अब इसके उसको गार्निश करने के लिए मैंने यहाँ पर थोड़े से जो साबूदाना है उसको वैसे ही फ्राई कर लिया है और मूंगफली को रोस्ट कर लिया है और किशमिश ली है और वहाँ पे मैंने दही ली है और हरी चटनी जो मैंने बनाई थी वो और रेड चटनी लिया है और थोड़े से गार्निश करने के लिए धनिया का पत्ता और 2-3 मैंने मिर्ची ली है और नींबू लिया है मैंने यहाँ पर। इसके ऊपर बहुत अच्छे से हम दही डालेंगे, जितना आपका जैसे आपको जितना दही खाने का मन है आप उतना डाल सकते हैं। दही डाल दिया मैंने, अब उसके ऊपर हरी
कि आपको टेस्ट के अकॉर्डिंग डालना है तो आप रेड चिली पाउडर डाल दें, और ये ऐसे ही बहुत टेस्टी लगता है और देखने में भी अच्छा लग रहा है। ये पनीर बरा चाट बिल्कुल भी रेडी है। इसमें टेस्ट भी मिलेगा आपको और ये हेल्दी भी काफ़ी है, इससे न्यूट्रिशन भी काफ़ी मिलेगा क्योंकि मैंने इसमें पनीर की फिलिंग की है। तो इसको एक बार जरूर ट्राई करें, ये बहुत ही इजीली और बहुत अच्छे से बन जाता है। ये बड़ा भी तैयार है, इसके मैंने डिफरेंट शेप दिए हैं, बहुत ही देखने में तो बहुत ही अट्रैक्टिव लग रहा है और टेस्ट भी काफ़ी अच्छा होता है। और जो व्रत में थोड़ा सिंपल खाना हो जाता है तो ये सब खाने से आपका टेस्ट भी बहुत अच्छा आएगा और आपको ताकत भी अच्छी मिलेगी इससे खाने से। आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में एक बार ज़रूर बताएं। ऐसी ही इजी रेसिपी देखने के लिए आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट बॉक्स में ज़रूर मुझे कुछ भी फीडबैक दें ताकि मुझे अच्छा लगेगा। और थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैप्पी नवरात्रि, एंजॉय माता दी।